इधर जो स्टेशन का नया ब्रिज बन रहा था उस पर जाने के लिए लोगों ने रास्ता बना दिया है, मतलब सो तो फ्रेंड्स हमने ले लिया अपना गाड़ी का बिल और 1133 का बना है और अभी अपना गाड़ी लेने जा रहे हैं। ओ फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए बाहर। और हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब के एक नए व्लॉग में। और आज मैं कहीं मतलब दूसरी जगह नहीं जा रहा हूँ, अपनी बाइक को सर्विस पर रखा है, उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग भी बना लिया जाए और कुछ छोटा मोटा काम भी है वो भी निपटा के आते हैं। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ से हम रिक्शे में जाएंगे और उधर से बाइक ले आएंगे, शोरूम पे बाइक रखा है वो। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स हम घर से निकल आए हैं और अभी रिक्शा पकड़ के जाएंगे और मैंने अपना हेलमेट भी ले लिया है। तो वहाँ से हम मोटो ब्लॉगिंग करते हुए आएंगे। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, अभी रिक्शा पकड़ते हैं और जा चलते हैं शोरूम। स्टेशन स्टेशन जाना चाहिए स्टेशन। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं स्टेशन पर और इधर ही सामने स्टेशन है, उसको क्रॉस करके हम वो साइड पर जाएंगे, फिर वहाँ से डायरेक्ट हीरो के शोरूम पे जाएंगे। हमारी गाड़ी हीरो के शोरूम पे रखी हुई है, वहाँ से लिया था तो वहीं पे हम सर्विस के लिए वहीं पे देते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम स्टेशन के अंदर से जाएंगे क्योंकि ये वाला ब्रिज है जो स्टेशन को एकदम और ऊपर से निकल रहा था, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बीच में टूट गया था इसलिए। और अभी हम जाएंगे स्टेशन के अंदर से। फ्रेंड्स अभी स्टेशन के अंदर से जाना बंद कर दिया है, वहाँ पे टीटी खड़े और बोले कि उधर से आगे से एक रास्ता बनाया है वो लोग ने, तो उधर से हम जाएंगे। तो इधर से सब लोग जा रहे हैं तो हम भी इधर से ही चलते हैं। इधर जो स्टेशन का नया ब्रिज बन रहा था उस पर जाने के लिए लोगों ने रास्ता बना दिया है, मतलब जो लोकल लोग होते हैं उसको पास करने के लिए, क्योंकि स्टेशन पे अलाउड नहीं होता है ना, इसलिए। और ये वाला ब्रिज आपको ये अंकलेश्वर स्टेशन है, हम इस शहर आगे स्टेशन से और आगे है जंक्शन, मेन जंक्शन इधर। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट फूड की दुकान है और ये हम स्टेशन के एकदम बाहर आ चुके हैं, इधर है जंक्शन। और फ्रेंड्स आप जो पीछे देख रहे हो ये अंकलेश्वर का बस स्टैंड है, रोडवेज बस चलती है उसका। और तो फ्रेंड्स ये अंकलेश्वर के कपड़ों की मार्केट है, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन से कपड़ों की, सब तरह के बच्चों के बड़े के सबके कपड़े और गॉगल्स चश्मा सब आप रखे हो गए, आप देख सकते हो पूरा मार्केट काफ़ी लंबा मार्केट है और ये अंकलेश्वर का सिटी एरिया पूरा। सो फ्रेंड्स मेरे जो बैग है उसका मतलब चेन भी फ्री हो गया है, तो उसका मतलब वो चेन भी डलवाएंगे हम, वहाँ पे आके एक अंकल बैठते हैं उससे डलाते हैं अगर। ये वाला भी फ्री हो गया पूरा, इसमें एक डालू। हाँ और एक ही डाल दो, कितना डालू, 20 वाला बढ़िया वाला डाल दो, एकदम अच्छे से चलो एकदम। सो फ्रेंड्स हम बैग में चेन डलवा दिया है और अभी आ गए हमें अनास के शोरूम के पास और आप देख सकते हो यहाँ पे ये है शोरूम और यहाँ से हम अपनी बाइक लेने वाले हैं। और बाइक लेकर डायरेक्ट अभी मोटो व्लॉग कर रहे थे और एक और छोटा काम है PF का, वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर काम निपटा के डायरेक्ट घर चले हैं। अभी आ गए शोरूम पर। तो फ्रेंड्स हमने ले लिया अपना गाड़ी का बिल और 1133 का बना है और अभी अपना हम गाड़ी लेने जा रहे हैं।
ओ फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए बाहर और अभी जाते हैं अपना पीएफ का कुछ काम है उसको पूरा करवाते हैं और डायरेक्ट निकल जाएंगे घर की तरफ। यहाँ से हम वापस यूटर्न लेंगे क्योंकि हमारा काम उधर ही है। ये पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है ना। फ्रेंड्स, ये नाश्ता चल रहा है, वही सब अपनी गाड़ी लिए हैं। और सो फ्रेंड्स, हमने जो पीएफ के लिए बैंक केवाईसी करवाया था वो अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, इसीलिए अपना काम वो बाकी है और अभी हम वापस घर जा रहे हैं। और